ये जो आप पीछे आलीशान बिल्डिंग देख रहे हैं, ये इस बात का सबूत है कि इस मोहम्मदवाड़ी एरिया में या NIBM एनएक्स में तरक्की बहुत हुई है, लेकिन ये तरक्की जो है वो पुणे महानगर पालिका के जो कागजात हैं वहां पर रिवेन्यू के रूप में हुई है। लोग कहते हैं करोड़ों रुपए का टैक्स मिला है, लेकिन ये टैक्स से यहाँ के लोगों को जब सुविधाएं देने की बात आती है तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं ये एक ड्रेनेज है और ये जो स्लोप है यहाँ से इतना पानी बहता है कि आने जाने वाले कार से या बाइक से पानी लोगों के नाक पर आता है, तमाम तरीके की बीमारियां होती है, लोग गिरते हैं, एक्सीडेंट होता है। लेकिन हमारी जो स्कीम है, हमारी जो सीरीज है वेक अप PMC, ये उसी का पार्ट है। PMC अभी भी जागने को तैयार नहीं है, PMC अभी भी सोया हुआ है। लोग मरते हैं मरने दो, लोग गिरते हैं गिरने दो, PMC को सिर्फ एक चीज से मतलब है, दुनिया यहां की वहां हो जाए, PMC का टैक्स नहीं ढूंढना चाहिए। माय क्वेश्चन इज टू PMC कमिश्नर राजेंद्र भोसले, इतनी तरक्की में PMC को करोड़ों रुपए टैक्स आ रहा है, कैसे आपका डिपार्टमेंट नॉर्मल मिट्टी डाल के बुझा देता है? क्यों प्रॉपर काम नहीं होता है? क्यों प्रॉपर सड़कें नहीं है? क्यों मोहम्मदवाड़ी की तरफ, क्या PMC का रीजन मोहम्मदवाड़ी के पहले आके खत्म हो जाता है? ओवर टू यहाँ की जो एक सोशल एक्टिविस्ट है जयमाला जी, तुमच्या मते इकडचे काय काय प्रॉब्लम्स आहेत आणि PMC कडनं कुठं काय गॅप आहे तुमच्या मते मॅडम? PMC-ला आतापर्यंत भरमसाठ जवळजवळ 200 crore वर झाला असेल आता, एवढा टॅक्स या एरियामधून गेलेला आहे। पण PMC-ने रस्त्यांकडे दुर्लक्ष केलेलं आहे। कधी वरिष्ठ अधिकारी येतात का इथे बघायला? अजिबात नाही। दुसरी महत्त्वाची गोष्ट, ड्रेनेजचा मॅप या लोकांकडे नाही, ही धक्कादायक बातमी आम्हाला यातून कळालेली आहे। सगळीकडे ड्रेनेजचे मोठमोठे खड्डे आहेत आणि मोठमोठ्या खड्ड्यांमध्ये अगदी माणूस आत जाईल गाडीसहित, एवढाले मोठाले खड्डे आहेत। मी परवा 2-4 दिवसापूर्वी एक कंप्लेंट टाकली, त्याच्यावर त्यांनी अगदी हे ठातूरमातूरपणे बुजवण्याचं काम केलेलं आहे। अगदी कितना कॅज्युअल आहे, देखो कंप्लेंट आती है, आधा ट्रक मिट्टी डाल दी, काम हो गया, यानी टॅक्स पूरा चाहिए, काम झीरो। त्यानंतर लोकांचं अतिक्रमण अतिशय जास्त प्रमाणामध्ये या एरियात वाढलेलं आहे। लोकांना यायला जायला गाड्या न्यायला रस्ता नाहीये, एवढा जोरदार प्रमाणात अतिक्रमण आहे। संध्याकाळच्या वेळेलाच म्हणून नाही तर दिवसाही तुम्ही पहा, काही तर लॉन्च वगैरे वाल्यांनी अगदी समोरपर्यंत ओटा सिमेंटचा तयार केलेला आहे, त्याची आम्ही कंप्लेंट दिली तर त्यांनी अगदी थोडासा कट केलेला आहे। तर मला काय म्हणायचं की मेजरमेंट आहेत की नाही रस्त्याचे, लक्ष अजिबात नाहीये। आयुक्त एवढे दिवसाचे PMC सांभाळत आहेत तर नुसता पगारापुरते आयुक्त आहेत का? आणि लोकांचा टॅक्स उकळण्यापुरते ही लोक आमच्याकडे येतात का? या पलीकडे PMC-ला काय येणं देणं नाही। अनेक लोक या एरियामध्ये येतात, बिचारे लोक डोळे बंद करून यांना मतदान देतात। डॉक्टर कोल्हे कधी स्वतः आले का? अजिबात नाही। डॉक्टर अमोल कोल्हे, एरिया कदाचित त्यांना आपको वोट चाहिए, वोटिंग के टाइम पे आप बड़े बड़े वादे कर रहे थे, कहा हो आप? मोठाल्या गोष्टी करून विनाकारण याला बदनाम करण्याचं काम हे लीडर लोक करतात, मात्र लीडर लोकांचंच काम इथे झिरो आहे। लीडर लोकांनी जर थोडंसं लक्ष घातलं तर ही जी जनता आहे ही सुखाचा श्वास घेईल। लोकांच्या फार जास्त मोठ्या अपेक्षा नाहीयेत। आज झिका व्हायरस सारखा व्हायरस डोकं वर काढतोय आणि सगळीकडे अगदी दुर्गंधी आणि घाणेरडा एरिया हा झालेला आहे। PMC की ओर से जीरो बजट है, कोई ध्यान नहीं है। सब आपके हिसाब से क्या इश्यूज है मैडम? ये तो तुम झगड़े, मेरे हिसाब से तो ये इश्यू है कि सिंस लास्ट 5 years वी हैव बीन स्टेइंग हियर। 5 साल से आप रह रहे हो? सर 5 साल से तो रह रहा हूँ यहाँ पे, जितने भी सोसाइटीज है यहाँ पे अराउंड 30 societies है देयर। सो वी हैव फॉर्मड एसोसिएशन नोन एज NIBM आनंदवन परिसर रेसिडेंट एसोसिएशन, उसका मैं अध्यक्ष हूँ। उस लास्ट 5 साल से देख रहा हूँ, आज जो आप देख रहे हो ना, ये 50% ग्रोथ है इन द नॉट इन द रेवेन्यू बट एटलीस्ट जो सुधारना हुई है उसके मैं बात कर रहा हूँ। सर ये है क्या, कॉर्पोरेशन बिल्डिंग बड़े बड़े बनाने का परमिशन तो दे रही है बट इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे जीरो है। यानी PMC को रेवेन्यू चाहिए, पैसा आना चाहिए, लेकिन सुविधा है जीरो। देयर इज नो लाइट, नो ड्रेनेज, ड्रेनेज सिस्टम इज फेलियर, कंप्लीट फेलियर। मैडम आपको क्या लगता है क्या हो रहा है? एब्सोल्युटली निग्लेक्टेड एरिया, an absolutely neglected area. We have no drainage whatsoever. I don't know how we've got the OCs of the buildings, how the builders have sold the houses to us in with whatever lollipop they gave us, green hai piche hai ye। यहाँ पर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। बेसिकली क्या है ना कि हम लोग यहाँ से स्टार्टिंग से स्ट्रगल करते आ रहे हैं और जैसे जैसे यहाँ पर डेवलपमेंट हुआ है तो बाकी जो एडजॉइनिंग सोसाइटीज हैं उन्होंने यहाँ पर इनिशिएटिव लेके काम किया है। अदरवाइज कॉर्पोरेशन का PMC का यहाँ पर कोई भी जो है कि मेजर रोल रहा नहीं है। यानी अगर आपने यहाँ पर फ्लैट लिया है तो आप एसोसिएशन में आके एसोसिएशन की ओर से काम करिए, लेकिन PMC जो है वो एक पक्की नींद में सोई हुई है, उसका यहाँ पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं है।
कॉरपोरेशन यहाँ पर बड़े बड़े बिल्डर को यहाँ पर परमिट दे रहा है बिल्डिंग बनाने के लिए, बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट आ रहे हैं, लेकिन पीएमसी का यहाँ पर कुछ भी काम हुआ नहीं है, ध्यान नहीं है, पीएमसी का काम है। दैट्स द रीजन ये जो इनिशिएटिव है पुनेकर न्यूज का, जागो पीएमसी, वेकअप पीएमसी, ये इनिशिएटिव चला रहे हैं। आपका कोई तो क्षेत्रीय कार्यालय होगा, वहां पर क्या लोग सो रहे हैं? यहाँ हजारों लोगों को प्रॉब्लम है, ड्रेनेज हो रहा है, जीका वायरस फैल रहा है। क्यों आपके इंजीनियर, क्यों आपके मुकादम, क्यों आपके ऑफिसर्स आके लोगों से बात नहीं कर रहे हैं? आए दिन इन लोग अपने ट्विटर हैंडल के माध्यम से कंप्लेंट रेज करते हैं, क्यों पीएमसी उस कंप्लेंट को क्लोज कर दे रहा है मिट्टी डाल के? विलेज पीएमसी का काम है, दैट्स द रीजन ये जो इनिशिएटिव है पुनेकर न्यूज का, जागो पीएमसी, वेकअप पीएमसी, ये इनिशिएटिव चला रहे हैं। आपका कोई तो क्षेत्रीय कार्यालय होगा, वहां पर क्या लोग सो रहे हैं? यहाँ हजारों लोगों को प्रॉब्लम है, ड्रेनेज हो रहा है, जीका वायरस फैल रहा है। क्यों आपके इंजीनियर, क्यों आपके मुकादम, क्यों आपके ऑफिसर्स आके लोगों से बात नहीं कर रहे आप? प्रॉब्लेम असा है की पीएमसी जास्त काय लक्ष घालत नाही रस्त्याचे विषय, ड्रेनेजचे विषय, सोसायट्यांचे ड्रेनेज वाहत चाललेले आहे, जिथे इथे डेव्हलपिंगची जिथे गरज आहे तिथे डेव्हलपिंग होत नाही। असं वारंवार पत्र व्यवहार करूनही सुद्धा लक्ष देत नाही। मी एक भाजपचा या मतदारसंघाचा अध्यक्ष आहे, युवा मोर्चाचा बीजेपीचा मी एक अध्यक्ष आहे या मतदारसंघाचा, माझे जनसंपर्क कार्यालय बाजूमध्येच आहे, पण आम्ही पत्र व्यवहार करून पण काम होत नाही जास्त। म्हणजे जे लोक स्वतः पब्लिक सर्वेंट आहे, जे लोक स्वतः म्हणजे जे पुढारी आहे त्यांचं काम होत नाहीये, तर नॉर्मल जे आमच्यासारखे गरीब माणसं आहे त्यांचं काम कसं होणार? सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे काय आहे की इथल्या जेवढ्या बिल्डिंग्स आहेत त्यांना प्रॉपर परमिशन जेव्हा पीएमसी देते, दॅट इज इन्शुअरिंग दॅट द वॉटर सप्लाय इज ऑल्सो देअर, ड्रेनेज सिस्टम इज, बट देअर इज नो वॉटर सप्लाय। आज यांचा इथे येऊन वॉर्निंग देऊन गेले या लोकांनी, 6 महिने झाले पोझिशन घेतलं आणि म्हणतात की जर तुम्ही एसटीपी जर काम केलं नाही हे बिल्डरला ओसी कशाला दिली मग तुम्ही? यानी एसटीपी का काम सोसायटी को बोल रही है पीएमसी, लेकिन जो कंप्लीशन सर्टिफिकेट है वो पीएमसी ने कैसे इश्यू कर दिया है? हाउ डिड द पीएमसी गिव द ओसी, हाउ डिड दे गिव द कंप्लीशन, व्हाट हैव दे डन, व्हाई हाउ, आई मीन व्हाट इज द बँडविड्थ, कैसे हुआ ये सब? मला एकच सांगायचं आहे पीएमसीला की आम्ही यांना फक्त 3 दिवसाचा अल्टिमेटम देतो, कारण उद्याचा रविवार आहे, म्हणून मंगळवारपर्यंत यांनी जर हे इकडच्या कामांचा सुरुवात नाही केली तर आम्ही सगळेजण मिळून, आमच्या पक्षांसहित सगळेजण आम्ही मिळून पीएमसी समोर काय उपोषणाला बसणार आहोत। तो लोग यहाँ के लोग बहुत बड़ी बात पीएमसी को बता रहे हैं कि अगर आपने कार्रवाई नहीं की तो यहाँ के लोगों के पास उपोषण आपके ऑफिस के सामने करने के अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं होगा। जसं आता थोड्या वेळापूर्वी मॅडमनी आणि दलजीत सरांनी जे सांगितलेलं आहे इकडे, आणि आनंदवन रेसिडेन्सी फोरमचे अध्यक्ष जे आहेत त्यांनी सुद्धा ही नोटीस आणून दिलेली आहे, नितीन बोके जे आहेत त्यांनी सुद्धा इथं सांगितलेलं आहे की आपण जेवढे रेसिडेंट्स आहोत इथे प्रॉपर्टी टॅक्स कलेक्ट केला जातो, प्रॉपर्टी टॅक्स जर आला नाही तर आपल्याला वारंवार नोटीस दिली जाते, तर त्याप्रमाणे इथे जसं आमचे बेसिक इश्यूज आहेत, ड्रेनेजची सिस्टम आहे किंवा पिण्याचं पाणी आहे, अशा ज्या छोट्या छोट्या गोष्टी आहेत त्याकडे पीएमसीने पण तेवढंच लक्ष द्यावं जसं ते नोटीसही आम्हाला पाठवतात, हे खूप महत्त्वाचं। तो आपके पास नोटीस भेजने के लिए आदमी है, नोटीस रिपीट करने के लिए आपके पास ऑफिसर है, वार्निंग देने के लिए आदमी है, लेकिन काम करने के लिए आदमी नहीं है। पुणे की आवाज हम लोग उठाते रहेंगे, खासकर यहाँ पर एसोसिएशन ने पुणेकर न्यूज से कांटेक्ट किया है, मोहम्मदवाड़ी, एनआईबीएम, एनएक्स, आनंदवन परिसर जो है, यहाँ की आवाज ये एक रिपोर्ट से खत्म नहीं होगी, पुणेकर न्यूज की नजर बनी रहेगी। पुणेकर न्यूज के लिए टीकम शेखावत, मुबारक अंसारी एंड सुमित सिंह।